हेलो नमस्ते जय श्री कृष्णा एवरीवन कैसे हो आप लोग तो न्यू ब्लॉग में है आप सभी का बहुत स्वागत अभी अभी अ, मैं नहाकर आई हूँ जस्ट मेरे बालों से अभी भी पानी बह रहा है तो uh, सबसे पहले मैं करूँगी पूजा बिकॉज आफ्टर बाथ सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ डेली तो um, पूजा मैं कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो मैं हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा शीशे में मैं अभी मंत्र जाप भी कर रही हूँ मैं डेली मंत्र जाप भी करती हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो चलिए काना जी को भी मैंने झूला झुला लिया है ये देखिए अब मैं बाहर पहुंच चुकी हूँ मैंने राजमा सुखाने के लिए रखी हुई थी बिकॉज काफी पुरानी राजमा है इसमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं हमारे लोकल में उन्हें गुमों कहते हैं तो वो जो गुमोह है छोटे छोटे होते हैं कीड़े वो इसमें लग गए हैं उन्होंने ना होल कर दिए हैं इसमें तो मैंने सुखाने रखी थी देखो यहाँ फिर अब मुझे उठानी पड़ रही है साइड में ना कौओ ने पूरी की पूरी राजमा गिरा के रख दी थी तो शुक्र है मैं पूजा करते ही मुझे लगा कि यू नो कौओं की आवाज आ रही है एक बार देख लू मैं राजमा जाके तब जाके मैंने कौओं को भगाया और अब देखो अब जाके मैंने राजमा उठा ली है तो चलिए अब तो कौए काफी देर तक नहीं आएंगे डर गए हैं मुझसे क्योंकि <laughs> तो ये देखिए कार्तिक के कपड़े कैसे झूला झूल रहे हैं हवा में <laughs> तो आपको तो पता है मैं सुबह सुबह नहाती हूँ तो नहाकर कपड़े भी धोने को हो जाते हैं तो अभी फिलहाल मैं कपड़े धो रही हूँ बिकॉज अब तो काफी अच्छी धूप खिली हुई है तो धूप जब खिलती है तो बहुत मजा आता है मुझे कपड़े धोने में बिकॉज फिर ना पानी गर्म करने का झंझट नहीं रहता अब मैं देखो ठंडे पानी से कपड़े धो रही हूँ ये देखिए आपके सामने मैं धो रही हूँ ठंडे पानी से अः फिर कहीं आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि गर्मी है हमारे यहाँ तो दिन का ये टाइम काफ़ी गर्मी होती है बट आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान रात को तो मैंने ब्लोअर भी चला के रखा होता है बिकॉज उतनी गर्मी नहीं आई अभी तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ वैसे तो मैंने कपड़ों में सर्फ डाल दी थी डिटर्जेंट बट फिर भी साबुन लगाना ज़रूरी होता है बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब एक दिन एक दिन में तो कपड़े चेंज कर लेती है तो फिर ना सर्फ में ही धोया कर सर्फ मीन्स डिटर्जेंट आप लोग प्लीज़ खजर मत हो जाइएगा <laughs> तो जी मैंने कपड़े धो लिए हैं अभी फ़िलहाल कार्तिक का एक पजामा है धोने को तो मैं पहले इसे ही धो रही हूँ ताकि ये ना शाम तक सूख जाए तो मैंने रख दिया है उसे तार में अब बाकी कपड़े मैं धो रही हूँ अपने पाँव से बिकॉज हाथों में मेरे उतने जोर नहीं है <laughs> हाथ में ना मेरे पता नहीं ऑटोमेटिकली नस में दर्द हो जाती है ठंडे पानी से आ, बट पाँव में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी तक तो ये देखो कार्तिक की शरारते देखो पापा को बोल बोल के आ, आया है कि मुझे ना मम्मा के साथ कपड़े धोने हैं तो कार्तिक की तो आप शरारत देख ही सकते हो कपड़े धोने हैं कपड़े धोने हैं बोला उसे <laughs> अभी तो फिलहाल मैंने उसे मना लिया है कि बेटू अभी ना आप पापा के साथ घूमने जाओ अभी मैं कपड़े धो रही हूँ तो मान भी गया है मुझसे थोड़ा ना कार्तिक थोड़ा सा घबरा जाता है मुझसे बातें करते हुए बिकॉज मैं नो 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 करती रहती हूँ ना कार्तिक को <laughs> तो आ, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं अब लास्ट बार मैं पानी भी भिगो रही हूँ क्योंकि ना मुझे मुझे पता कुहम सा होता है कि कपड़े में साबुन रह गया साबुन रह गया फिर मैं बार बार धोती रहती हूँ धोती रहती हूँ चलो धो लिए मैंने फाइनली कपड़े अब मैं रख रही हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए तो आप देखिए हंसना मत हाँ बिकॉज कपड़े कैसे रखते हैं तार में अच्छे से वो मुझे नहीं आते मैं जैसे कैसे रख देती हूँ बस उड़ा के फिर मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बनाने लगते हैं कि कपड़े तो ढंग से सीख लिया कर रखना तू तो चलो धो लिए जैसे कैसे सही मैंने कपड़े अब कार्तिक मुझे बुला रहा है चलो टब रख के आती हूँ पहले मैं अंदर बिकॉज टब और साबुन बाहर रख दिया तो दो सेकंड के अंदर कौवे फिर ले जाते हैं उठाकर तो चलो हैंड वॉश भी कर लेती हूँ मैं साबुन लगाया हाथ में ये देखो जी दोनों महाराज गौ माता को देख रहे थे जो हमारी काजलू है वो आपको पता है बीमार चली है उनकी तबीयत वो मैं उनके बारे में मैं आपको कार्तिक इस वर्ल्ड ब्लॉग में बताऊंगी मेरे अनदर चैनल में अभी तो फिलहाल आप बाहर से ही देख लो कि हम अभी ना अपनी प्यारी काजलू को देख रहे हैं वो थोड़ी बीमार है उनकी हालत अभी तो ये देखो कार्तिक महाराज इन्हें पकड़ने में ना मुझे बड़ी दिक्कत आ जाती है काफी और मैं बेचारी बूढ़ी माँ मुझसे नहीं हो पाता जल्दी जल्दी ना तो ये देखो कार्तिक मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे ना ये पकड़नी है जो काऊ की ना हिल रही है पूंछ तो मैंने उसे मना कर दिया है अब बड़ी मुश्किल से ध्यान भटका के हम जा रहे हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट